मैं हूँ स्वामी प्रभात सिंह, महामंडलेश्वर अरविंदाचार्य। आज भक्तों के विशेष आग्रह के बाद पुनः उपस्थित हुआ एक नई जानकारी के साथ। आज का विषय है डायबिटीज, शुगर, मधुमेह। हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में इसके साथ इसका नाम जितना सुंदर और मीठा है, इसने काम उससे कई गुना पूरे होते हैं। शुगर कितना मीठा है, शुगर की मीठी होती है। दोनों जगह जब ज्यादा मिठास आ जाए ना तो गड़बड़ हो जाती है, चाहे वो जीवन में वाक्य शैली हो, सब संरचना हो, व्यवहार हो या खान पान में मिठास आ जाए। वेदांत ने कहा है कि आप गुड़ से ज्यादा मीठे मत बना चाहिए, कीड़े पड़ने में देर नहीं लगती, और नींद से करते भी मत बना करिए, नहीं तो दूरियां बनने में भी देर नहीं। ज्यादा मीठा बोलने वाला आदमी हमेशा शत्रु बन जाता है, चापलूसी करता है। झूठी तारीफ आपकी हमेशा वही करेगा जिससे आपसे स्वार्थ होगा, जिससे स्वार्थ नहीं हो आपकी चापलूसी भी करेगा। सन्यासी संसारिक दृष्टि की बात है, सन्यासी जुबान से कड़वा हो सकता है पर हृदय से कभी कड़वा नहीं, निश्चल निष्कपट होता है। और संसारी की जुबान से मिठास होती है लेकिन अंदर एक कपट की जान होती है, स्वाद। इसलिए वेदांत ने कहा है कि संसारियों की व्यथा और परमात्मा की कथा दोनों का जब तक वो स्वयं जिंदा चाहिए। हम बात करते हैं बीमारी की, शुगर। शुगर क्या है, कैसे होता है, शुगर किस में पाया जाता है, हम इससे मुक्ति कैसे पाएंगे और क्या है इस बीमारियों के साइड इफेक्ट, हमें क्या क्या होती है। इसके भाई चिंता चिंतन, शुगर हो गया चिंता इस विषय पे हुआ तो, और चिंतन इस विषय पे इस रोग से मुक्ति के। शुगर कब लेते हैं, अगर आपको देखना है जो शक्कर आप खाते हैं, जो शुगर आप खाते हैं उससे ज्यादा शुगर वीट में, यानी कि बाजरे में शुगर है, आलू में शुगर है, चावल में शुगर है, हमारे हर खाद्य पदार्थ अन्न में शुगर होता कैसे है। जब हमारा मल पूर्ण रूप से त्याग नहीं होता है, बल्कि कोष्ठिका हो जाती है, मल सूख करके हमारी आंतों में चिपक जाता है, हमारा पेनक्रियाज डिस्टर्ब, पेनक्रियाज डिस्टर्ब होते ही हमारे बॉडी में इंसुलिन लेवल कम हो जाता है और धीरे धीरे वो शुगर के स्तर में। शुगर से होने वाले साइड इफेक्ट, शुगर सबसे पहले पुरुष की यौन शक्ति को छीनता है, यानी उसका पुरुष तत्व छीन जाता है जिससे रात शुगर की यौन शक्ति। सर्वप्रथम शुगर पुरुष की यौन शक्ति पुरुष तत्व को छीन करता है, दूसरा उसकी आई साइट को वीक करता है, मोतिया बिंद हो जाता है, एक लिमिटेड रेंज में बढ़ जाए तो ग्लाइकोमा हो जाता है। शुगर आने से पैरों में जलन होने लगती है, पिंडलियों में आकड़न होती है, इम्यूनिटी पावर डिफिशिएंसी कम हो जाती है, इसे इसके लक्षण की तरह अब उपचार। ये लक्षण है इससे होने वाले हानियां उपचार में आते हैं, मॉडर्न मेडिसिन में, होमियो में, यूनानी में, सिद्धा में, इसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है, आयुर्वेद। और आयुर्वेद में हर जगह नहीं अवेलेबल है, क्यों, आधुनिक युगों में शास्त्रों पद्धति से बनाई हुई औषधियों में उनकी शुद्धता की गारंटी नहीं है। जैसे माँ के हाथ से चक्की की रोटी खा करके पुरुष पौष्टिक होता है और इलेक्ट्रॉनिक चक्की को खा करके, जो
जो हैंड मेकिंग मशीन है, जो हाथों से बनाई जाती है, खूब पीस कर स्वनिर्मित है, उनका जो रिजल्ट मिलता है वो किसी और से नहीं। इनके पास निदान क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें अभी पूर्ण रूप से डायबिटीज का रिसर्च ही है। हमारी तो चर्चा परिचर्चा ही बड़ी अजीबो गरीब रहती है, क्योंकि मैं सीधे आईने दिखाने की बात करता हूँ। डायबिटीज अनक्योरेबल माना है, मेडिकल साइंस कहती है डायबिटीज कभी परमानेंट नहीं। क्यों क्यों? क्योंकि उसके कारण का आपको पता ही नहीं। डायबिटीज के पेशेंट को कभी भी एंजाइटी इम्यूनिटी पावर डिफेंसी देनी होती है, डाइजेशन की मेडिसिन देनी होती है, क्योंकि जब तक डाइजेशन सही नहीं होगा, मल त्याग नहीं होगा, आपका पेनक्रियाज कभी सक्रिय नहीं होगा। अगर किसी को लगता है स्वामी जी पाखंड फैला रहे हैं, तो मेरा न्योता दे रहा हूँ आपको, डब्ल्यूएचओ को भी दे रहा हूँ, मेडिकल एसोसिएशन को भी दे रहा हूँ, बड़े बड़े एमडी डॉक्टर्स को भी। हमारी मेडिसिन को आप यूज करिएगा, अगर उसमें वो इंग्रेडिएंट्स नहीं पाए जाए तो हम आपकी हर पनिशमेंट भी सहेंगे। लेकिन नई नई मशीन खतरे जानो, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ से सही मेडिसिन शुगर कहने में मीठा है, उसकी मीनिंग मीठी है। लेकिन अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तुरंत उनको ऑपरेट करना है, अगर शुगर बढ़ा है तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आई साइट का ऑपरेशन करना है, शुगर बढ़ा है तो नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि शुगर के पेशेंट के बॉडी में अगर इंजरी है, जख्म बन गया है, तो जब तक शुगर का लेवल बैलेंस में नहीं आएगा, तब तक इंजरी हीलिंग नहीं हो सकती, और धीरे धीरे वो गैदरिंग का स्वरूप बना देती है और हड्डियों को बना। हम आज बात करेंगे हमारी फार्मेसी और आपके मेडिसिन की बात करेंगे, जो प्रकृति में जो भी है हर चीज का अस्तित्व है और किसी अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। जब तक उसके बारे में ज्ञात नहीं हो, जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप किसी को ना तो नकार सकते, और जब तक आपके मन मस्तिष्क को संतुष्टि नहीं हो, आप उसे स्वीकार नहीं करते। ये आपको क्या देते हैं डॉक्टर? ये आपको देते हैं इंसुलिन। इंसुलिन एक्सटर्नल नहीं, एक्सटर्नल इंसुलिन आपको इंजेक्शन से दिया जाता है, आगे भी 5 मिनट खाने से पहले आपको लगाना है, कितना ml लेना है, इतना ml लेना है, लेकिन डाइजेशन का असर नहीं होता। उसका ब्रेन का जो लार्वा कैसे सक्रिय होगा, क्योंकि टाइप 2 सेल्फ क्रिएटेड है, मानसिक तनाव कैसे दूर होगा उसका। इसलिए ब्रह्मांड आयुर्वेदा में हमने 20 साल तक मेहनत करके, संत महापुरुषों की सेवा कर करके, दुर्लभ वनस्पतियों का संग्रह करके हमने औषधि तैयार की। हम देते हैं डायबिटीज को पूर्ण रूप से समाप्त करने का आवाज। आइए एक बार अवश्य इस कंपनी की दवाइयों को लेकर के इस्तेमाल जरूर करिएगा, और रेट्स की भी चिंता मत करिएगा, क्योंकि जो मेडिसिन हम आपको देने जा रहे हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनियां 20,000, 10,000 और 18,000 की देती हैं। नतीजा, जब इनका सेल बढ़ जाता है, इनकी शुद्धता की गारंटी नहीं रहती। ज्यादातर फार्मेसी 84,000 फार्मेसी का मेरे पास डाटा है, 84,000 फार्मेसी जो भारत में है, उनके पास स्वनिर्मित कोई भी प्रोजेक्ट नहीं। उनको सिर्फ इतना पता है कि आज भारतीय का, भारत के लोगों का थोड़ा सा झुकान आयुर्वेद की तरफ बना है, तो मिक्सिंग करते हैं, मिलावट करते हैं, भैया तुम कुछ भी मिलाओ, खाली लोगो मेरा लगा के लाओ, आधा तुम खाओ आधा तुम ले जाओ, राधे राधे धन बांट ले, आधे आधे की कर, आधा मैं खाऊं और आधा तुम ले जाओ। लेकिन यहाँ ऐसा हम बिल्कुल नाम मात्र लागत की जो औषधियाँ हैं उन्हीं के हिसाब से आपसे हम कीमत लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड पुरी महाराज और ब्रह्मांड आयुर्वेद
देते हैं और इनके ना देने से आपको रिजल्ट क्या मिलता है, देने से क्या मिलता है वो बताने की कोशिश करते हैं। समझिए, सबसे पहले इन्होंने इंसुलिन दिया डाइजेस्टिव में, बाप को आप कब तक देखते रहेंगे, बाप का बाप लालच उसे मारता था आपने। डायबिटीज हुआ किस रीजन से, आप उसकी दवा क्यों नहीं दे रहे साहब, जब तक डाइजेशन सही नहीं होगा तब तक आपका डायबिटीज सही नहीं हो सकता। इसलिए हम सबसे पहले देते हैं आपको हमारी कंपनी से ब्रह्मांड पाचक चूर्ण। इस ब्रह्मांड पाचक चूर्ण को आप ध्यान में रखेंगे, इसके अंदर इंग्रेडिएंट है डाइजेशन को क्लियर करते हैं। दूसरी तरफ हम देते हैं ब्रह्मांड ब्राह्मी पाउडर जो ब्रेन टॉनिक, हम देते हैं इम्यूनिटी पावर के लिए उनको अश्वगंधा या सफेद जो हमारी कंपनी पूर्ण शुद्धता से बनाती है, हम देते हैं उनको ब्रह्मांड में हम पाउडर। अब इसमें तीन मेडिसिन हो गई, चार हो गई और चारों के अलग अलग रोल्स हो गए आपकी समझ में आ जाए। अश्वगंधा और मूसली आपके अंदर इम्यूनिटी पावर डिफिशिएंसी पैदा करती है जिससे आपका यवन शक्ति क्षीण होने से बचता है। ब्राह्मी आपको ब्रेन टॉनिक देता है जिससे आपका सब कुछ शुद्ध रहता है, ब्रेन लार्वा सही रहते हैं, वीक नहीं होते हैं, ब्रेन के सेल्स डेड नहीं होते हैं। ब्रह्मांड मेहा ये स्पेशली डायबिटीज के लिए ही है, लेकिन प्रैक्टिशनर हमारे डॉक्टर्स हमारे सर्जन अगर इसकी गुणवत्ता को पहचानते हैं इसके बारे में जानते हैं तो ये लगभग 19 बीमारियों पे काम करता है। तो इसके अंदर कार्यक्रम है, इसके अंदर पनीर का फूल है, इसके अंदर करेले का पाउडर है, इसके अंदर नीम का पत्ता है। डिपेंड करता है कि हमारे प्रैक्टिशनर हमारे सर्जन का कितना ना है। हम आपको बताएं ये पांच चीजों से कंप्लीट होती है ब्रह्मांड आयुर्वेदा की डायबिटीज की। आप इसको 18 महीने तक दवा लेते रहे और हर महीने दवा लेने से पहले और बाद में रिपोर्ट करते रहे, 18 महीने के बाद टोटल दवा बंद कर दें और वो सब खाएं जो नहीं खाना है, परहेज नहीं रहेगा, उसके बाद आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। यहाँ ऋषियों का रिसर्च, क्योंकि ऋषि के रिसर्च में परमार्थ की भावना होती है और व्यवसायियों के रिसर्च में स्वार्थ की भावना। ध्यान दें, अगर आप हमारी औषधियां ले रहे हैं और आपको पहले से इंसुलिन चालू है तो आपको तुरंत इंसुलिन मिल सकता है, क्योंकि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। एक महीने तक साथ में देना है, एक महीने बाद धीरे धीरे इंसुलिन के डोजेस कम करते जाना है। इस तरीके से धीरे धीरे जैसे इसका प्रभाव बढ़ता जाए उस डोज को कम कर दिया जाए और छठे महीने के बाद बंद कर दिया जाए, क्योंकि अब आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं होगी। ये डायबिटीज के ऊपर ब्रह्मांड आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन है। कीमत की भी चिंता आप मत करें, क्योंकि हमारी कंपनी में कोई डकैती नहीं की जा रही है, कोई लूट नहीं किया जा रहा है, कोई आपको ले जा नहीं जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपये महीने की यह दवा, मैंने एक सर्वे करके देखा है कि भारत का न्यू जनरेशन बेरोजगार क्यों ना सही, कम से कम महीने में 700 रुपये का व्यसन करता है, गुटखा खा जाता है, पान खा जाता है, स्मोकिंग कर जाता है। आपने दुनिया को देखा है, दुनिया की बातें करी है, एक फकीर की बातों को अवश्य सजमाएं और एक ही महीने में इसको भरोसा करके देखें। आशा करता हूँ कि मेरी तपस्या व्यर्थ नहीं होगी, क्योंकि मैं पारदर्शिता अपने काम में भी रखता हूँ और अपने विचारों में भी रखता हूँ और स्थिरता अपने कार्यों में भी रखता हूँ। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी की औषधि का जरूर सेवन करें और इस पे थोड़ा सा गीता की तरफ चलेंगे। मन मस्तिष्क जब आपका स्वीकार कर तभी आप फोन की घंटियां बजाएं, तभी आप दवाइयां मंगाएं।
अगर आप मन मस्तिष्क से संतुष्ट नहीं है तो अनावश्यक फोन लगा करके ना अपना समय व्यर्थ करें, ना हमारे लोगों का व्यर्थ करें, क्योंकि ये जनसेवा का केंद्र है, व्यवसाय का केंद्र नहीं। यहाँ एक ही स्लोगन है, नर सेवा, नारायण सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा। नमो नारायण। फिर मिलेंगे एक नई बीमारी के उपचार के साथ।